शिवहरि शिवात्मराम राम श्री सद्गुरु शिवात्मराम दास। आपका आगमन हुआ और आपने जिज्ञासा की कि मैं इधर आया हूँ तो क्यों आया हूँ, ये संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, इस जगत में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, ये मैंने अपने भीतर प्रश्न किया। अन्यथा मैं तो माया में दौड़ा करता था। माया मुझे छोड़ नहीं रही थी ऐसा नहीं था, माया ने तो मुझे छोड़ दिया था। आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप पैसे वाले हैं, आपको उसका जरा सा भी जहाँ घमंड आ गया वहाँ तुम्हारा आपपन खत्म हो जाएगा। और जहाँ ईश्वरीय सेवा का भाव अंदर से प्रकट हुआ, इंसानियत प्रकट हुई, मानवता प्रकट हुई, दूसरे पर दया प्रकट हुई, तो समझ लो कि मैं जाग गया हूँ। अब उसे अकबंद हमारे भीतर बनाए रखना है, हमें भूलना नहीं है, हमें हमारी दया अकबंद हर हमेशा के लिए बनाए रखनी है। सिर्फ यही नहीं है कि मेरा है तो मैं उस पर दया करूं, मेरा है मैं उस पर दया करूं, मगर मैं अभी तक ये तो नहीं जानता हूं कि मेरा है कौन, मेरा है कौन, मेरा तो मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। अभी तक तो मैंने अनुभव कर लिया है और आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि तुम्हारा तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। ये ज्ञान वाल्मीकि ऋषि को हुआ, तब उन्होंने भीतर से प्रकट कर दिया। वाल्मीकि लुटारे से वाल्मीकि ऋषि, अब कोई रत्नाकर भी बताते हैं उनका नाम। भील जाति के थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था और उन्होंने अपने भीतर अपने राम को जगाया। राम को जगाया, स्विच किसने ऑन की? नारद मुनि ने। ध्यान रखो, जहाँ तुम्हारा काम सहजता से चल रहा था, सरलता से हो रहा था, बिना किसी अवरोध के वो पार पड़ रहा था, जब तक उसमें कोई अवरोध नहीं आया तब तक कोई तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। जब तुम्हारे रास्ते में कोई कंकर पत्थर कांटे बिछाते चले जाएंगे, तब समझ लो कि तुम वो काबिल हो गए हो। क्या काबिल हो गए हो? इंसान कहला सको, क्योंकि ये संसार सारा है वो इंसानियत की ही बुराई करता है, दया की ही बुराई करता है, क्योंकि उसमें शैतान बसा हुआ है ना, क्योंकि वो उसका है। उसका कौन? वो स्वयं का है, इसलिए उससे मोह है, मोह है इसीलिए वो बहन भाई पिता माता सभी से द्वेष कर रहा है। माया से मोह है ना, ये माया बड़ी मलवान, माया बड़ी चंगी है, माया जो छोड़ने वाली है और जो छोड़ रही है, और जो छोड़ रही है तो कैसे छोड़ रही है? वो ऐसे ही छोड़ रही है जैसे हम, जैसे हम अपने शरीर के होते हुए हम स्वयं को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, हम स्वयं अपने को छोड़ने के लिए अपने से बाध्य हो जाते हैं,
परंतु हम जानते नहीं हैं कि हमें जीना है कैसे। हम तो अभी तक क्या कह रहे थे, माया में भटक रहे थे और माया भटक 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 और भटका रही थी। माया जो दिख रही है संसार में, जिसके पीछे तुम दौड़ा करते हो, जिसे धन कहते हो, दौलत कहते हो, पैसा कहते हो, वित्त कहते हो, संपत्ति कहते हो, जो जो किसी किसी भी नाम से कहते हो, ये वेल्थ है। वेल्थ यानी धन, और ये धन जो है ये उसी का है। धन धन उसी का है जिसने उसे पा लिया। बाकी तो तुम मैं सभी पशु ही हैं। कोई दो पहिए के पशु हैं, कोई चार पहिए के पशु हैं, कोई दो पैर के पंछी हैं, कोई दो पैर के नहीं हजारों पैर के जीव हैं। तो वो सभी इसमें और हम में कोई भेद नहीं है। जब तक हम सच्चाई से जान न लें, सच्चाई को जान न लें, सच्चाई को जानेंगे कब? जब हम उसकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा तुम्हें देनी होगी, परीक्षा तुम उसकी लोगे तो तुम्हारी परीक्षा होगी। सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें संसार के अंदर, परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है, तुम जो चाहो वो तुम्हें दिया है। इसीलिए तुम आज हो, अब तुम जो यहाँ आज हो, अब तुम यहाँ जो आज हो, तो ऐसे हो कि तुम हो मगर नहीं हो। और जब तुम हो जाओगे कि मैं हूँ, अहंकार खड़ा हो जाएगा किसी भी प्रकार का मोह से, माया के प्रति, जो हमारा अहंकार है, जो हमारी चाह है, जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा खिंचाव है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा भीतर से मन वहाँ जाता है जहाँ उसका प्रेम होगा। प्रेम किसका है? अब शरीर में रहेगा तो शरीर की कामनाओं का प्रेम होगा, और तो शरीर से बाहर रहेगा तो शरीर से बाहर की कामनाओं का प्रेम होगा, और जो तू शरीर में रहकर स्वयं में रहेगा तब तुझ में ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति होगी। इसमें कोई मीन मेक है ही नहीं। तू क्यों भटक रहा है, क्यों बार बार परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहा है? प्रयत्न मत कर, तू सरलता से जीवन जी। तू अहंकार तुझे तेरे धन का है, तेरे बल का है, तेरी सत्ता का है, तुझे किस चीज़ का अहंकार है? वो रावण के भी नहीं रहे और दूसरे कई राक्षस इतने शक्तिशाली संसार में हुए हैं उनके भी नहीं रहे हैं, तो मेरे कहाँ रहने वाले हैं? मेरे भी तो नहीं रहेंगे ना। तो गुरुदेव ने यही कहा है कि अहंकार वही रहना चाहिए, लेकिन उसका मार्ग होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। जो रत्नाकर डाकू में वाल्मीकि ऋषि बन गए, आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, मुझे तो खबर नहीं है, मगर मैंने कुछ इतना जाना है कि मुझे ये मालूम है राम जी का तो जब जन्म ही नहीं हुआ था, उसके 10,000 वर्ष के पहले ये वाल्मीकि रामायण जो राम के लिए लिखी गई है, वो राम तत्व क्या है? वो सच्चा तत्व है। अब तुम्हें भरमा रही है दुनिया, इसलिए तुलसीदास आ गया, और तुलसीदास ने राम जी को इतना प्रचलित कर दिया और हनुमान जी को गौण बना दिया, और हनुमान जी इतने प्रचलित हुए द्वापर युग में, धर्म युग की धजा पर बैठकर उन्होंने सत्य का न्याय दिया है। ध्यान रखना, ये रामायण जो है ना वो भीतर की है, हमारे आत्मा और परमात्मा से मिलने की। जो काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार हमने त्याग देवे, मगर अहंकार नहीं त्याग सकते हैं। अहंकार तो लेना ही होगा, अहंकार लोगे तो तुम स्वयं से मिल पाओगे ना, प्रयत्न नहीं करोगे। मैंने कहा तुमने मान लिया, तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें खुद को प्रयत्न करना होगा। कुछ समझ में आ रहा है गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? प्रयत्न किसे करना है? मुझे प्रयत्न करना है। आई हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, देन आई हैव नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ इट। व्हेन एवर वी डू नॉट एक्सपेरिमेंट एनी एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी गेट? एम आई राइट और रॉन्ग?
If you are thinking that I am right, yours always you are right, but one side is right, not both side. दोनों की तरफ तुम नहीं रहते, इसीलिए नटेश्वर महारुद्र हनुमान जो श्री राम भक्त हनुमान हैं वो अपना रूप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि तुम कल्याण चाहते हो तुम्हारा, तो भीतर जैसे मैं तो राम और सीता माता को समझ रहा हूँ, तुम समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो तुम्हें राक्षसी या वृत्तियाँ तुम्हें वो तुम्हें डूबे ले जा रही है, डूबे ले जा रही है, डूबे ले जा रही है, डूबे यानी गहराई में ले जा रही है, किसकी कामनाओं की, इच्छाओं की। तू जहाँ होगा, जैसे शरीर की इच्छा में होगा, शरीर में होगा तो तू शरीर की कामनाओं को पूरा करने की प्रयत्न करेगा, और जब तुम आत्म तत्व के अंदर होगा तो वही ऊर्जा तेरी इसमें काम करेगी, स्वयं को पाने में, स्वयं को पाने में। पाने के लिए क्या करेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करता है वही करता है। जैसे मैं निंद्रावस्था में हूँ तो क्या मुझे ध्यान रखना है कि मैंने श्वास लिया, अभी भी मैं जागृत अवस्था में ध्यान नहीं रखता हूँ तो निंद्रावस्था में कैसे ध्यान रखूँगा कि मेरा श्वास चल रहा है, ध्यान रखते हैं क्या आप, समझाइए मुझे। इसीलिए तो ऋषि मुनि ने जिसने भी ध्यान रखा है उन्होंने कहा है कि ये जो श्वास चले हैं कितने है? गिनोगे तो मालूम होगा ना, अभी मैं अंक बता देता हूँ और आप हाँ सही बात है, अरे कभी गिन कर तो देख ले, 21,600 जो अपने अमूलक एक एक क्षण हमें प्राप्त हुए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, हर अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं हम परमात्मा को, परमात्मा हमसे भेद भीतर इसके सिवा और कहीं जा ही नहीं सकता। अगर परमात्मा इस भीतर से निकल जाता है तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर वो जीव काम का होता तो माता के उधर से निकल के पहला श्वास लिया तब उसमें प्रवेश हुए ईश्वर, वही श्री राम भक्त हनुमान है। कुछ ध्यान आया, कुछ समझ आई, यही श्री राम भक्त हनुमान जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, यही रामायण में समझाया गया है, और वही लंका को दहन कर सकता है। किसकी, सीता माता को मोह हुआ था स्वर्ण मृग का, और इसीलिए उसको उठा कर ले गए रावण, और रावण ने ले जाकर वहाँ पे इस तरह से उसे घेरा, परंतु वो तटस्थ रही, सिर्फ किसके एक तिनका बीच में रखा ऐसा सो, एक तिनका बीच में ऐसा रखा सो, राम हाजरे कहलावे। क्या है, राम की हाजिरी है, वो देख रहे हैं, उसे क्या करना है, मुझे तो कुछ खबर है नहीं। तो दो जो छुए कामनाओं के वश होकर पर स्त्री को, पर पुरुष को स्त्री, और स्त्री पर पुरुष को, और पुरुष पर स्त्री को जब छूता है कामनाओं के वश होकर, वो पाप स्वयं का नाश करता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा है, परंतु अपना गृह संसार को त्याग करने के लिए नहीं कहा है। ऋषि मुनियों ने तो अपने परिवार लेके बैठे हैं ना, उनके संतान है ना देवता दानव, ये तो ये कहानी है हमारे भीतर की, ये बाहर की नहीं है, हमारे भीतर ही कौन बैठा हुआ है, देव बैठे हुए हैं, हमारे भीतर ही दानव बैठा हुआ है, हमारे भीतर ही राक्षस बैठा हुआ है, हमारे भीतर ही पशु बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति तो वहीं से हुई थी ना, ईश्वर के अंग से ऊर्जा निकली और ये ब्रह्मांड में पानी में शरीर बसायो, शरीर बसायो यानी शक्ति है जिसने शरीर को दिया, इसीलिए तो चंडी दुर्गा चंडी सप्त चंडी नव दुर्गा सात चंडी का और नव दुर्गा उन्होंने मैं वंदन करूँ, ये माता आपकी कृपा भी नहीं रहे सभी जगत रे माते, यही मैं चाहता हूँ। ब्रह्म गुरु ब्रह्मात्मा शिवात्मा रामदास आप शरण में बैठ कर यही विनती करता हूँ कि जगत विश्व का कल्याण हो, ऐसा मार्ग चलता रहे अपने आप, क्योंकि एक बार उद्गार यहाँ से हो रहा है। तेरे नाम की ये जो माया जपी हुई है, यही हमारे भीतर से एकाकार करने के लिए हमारा जो भीतर का राम और सीता को मिलाते हैं, और उस
लंका का जो मोह यानी कि स्वर्ण मृग देखा था ना सीता मैया ने, इसीलिए रावण लेके गया, तो उस लंका जो सोने की बनी थी, जो सोने की बनी थी और बेईमानी से अति आई थी, खुद ने किसी प्रयत्न नहीं किया था कि ईश्वर ने उसे दिया नहीं था, खुद ने अति आई थी, तो वो जो हत्याई हुई सोने की लंका थी उसका नाश किसने किया? श्री राम भक्त हनुमान जो शिवात्मा रामदास यानी राम शिव के अंश हैं, राम के दास हैं और श्री राम भक्त हनुमान के नाम से जगत में इनकी चर्चे तो आपने सुना ही है कि वो तो जो विकराल रूप धरे तो मृत्यु को भी ख़त्म कर सकते हैं और अगर विकराल रूप धरे तो जो तुम गुनाह करोगे तो मुझे भी ख़त्म कर सकते हैं, मैं गुनहगार हूँ, इसलिए शरीर है ये गुनहगार है ना, अवरोध करता है ना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ये कहा है कि समाधि में जाओ। समाधि में कैसे जाओगे? अब देखो आगे ये जगत के अंदर क्या करना है, व्याप्त करना है, अंदर से शक्ति को जगाना है, शक्ति को कैसे जगाओगे? इसीलिए दुर्गा सप्तशती में जो समझाया गया है कि मैं वहाँ से उत्पन्न हुआ, विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए थे और उसके बाद उन्होंने युद्ध किया विष्णु से 5,000 वर्ष और हजारों साल तक युद्ध करने के बाद जब प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मांगो 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 और मांग लिया विष्णु भगवान ने कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो। अब उसने चारों तरफ जली जल देखा तो कहा कि मृत्यु इस जगत में जहाँ कहीं स्थान हो वहाँ पे करो, इसीलिए परमात्मा ने खुद की जो जंगा है उस पर उसको वध किया, क्योंकि वो तो क्या है, शरीर है ना, है, और फिर बाद में उनका वध कर दिया, फिर वो फैलते गए और ये पृथ्वी बनती गई। मतलब कि इस भूमि के अंदर जो हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि है, हमारे भीतर के शरीर के अंदर क्या है, जठराग्नि, हम भोजन करेंगे योग्य मात्रा में करेंगे, योग्य बल का करेंगे, योग्य प्रमाण का जो शरीर को तत्व चाहिए वो करेंगे, तो शरीर को भीतर से ऊर्जा प्राप्त होगी और वही ऊर्जा को बाहर फैलाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे फैलाओगे? कि मन जहाँ लगाओगे वहीं मन लग जाएगा, मन को रमाओगे जहाँ मन रम जाएगा। इसमें भेद समझना है तो समझ लो, रमाना और लगाना। लगोगे तुम मन के अनुसार, मन कहता है ऐसा करो, मन कहता है वैसा करो, पैसे कमाने के लिए। धन दौलत तो तुझको दिया हुआ है, क्या भूखा मर रहा है कोई पंछी? जी भूखा मर रहा हो तो आओ मैं उसको भोजन करवा सकता हूँ, है कोई? नहीं है, क्योंकि सभी को अपना अपना भोजन मिल रहा है। कहाँ से? वो व्यवस्था ईश्वर ने की हुई है। और वो ईश्वर कौन है? मेरे भीतर बैठा हुआ, आपके भीतर बैठा हुआ, इसके भीतर बैठा हुआ, उसके भीतर बैठा हुआ, लेकिन उसे जगाना है, स्वयं को जगाना है। स्वयं श्रवण बनोगे तो ही तो तुम्हें वो परमात्मा का रूप प्राप्त होगा ना, क्योंकि माता पिता की सेवा करना बहुत कठिन है। ऐसा कलयुग आएगा तो आ गया है, अब माता पिता में उसमें भी कारण ये है कि हमारे गलतियां तो हमने बच्चों की ही निकाली है, लड़कों की ही निकाली है, ध्यान रखना, पुरुषों की ही गलतियां निकाली हैं। उसने अपने पिता को घर से निकाल दिया, क्यों? तो कि उसकी बहू ने कहा मुझे ऐसे बुड्ढों की सेवा नहीं करनी है, इसीलिए। अब वो तो निकल गए, उनकी सेवा नहीं करनी है। तो ऐसे कैसे संस्कार उस लड़की को दिए हैं कि वो उसने ऐसा सोचा कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये इसके माँ बाप हैं और इसके माँ बाप और मेरे माँ बाप अलग हैं। गलत हो तो बताओ ना मुझे, कुछ मैं कुछ कह रहा हूँ कि ये गलत है, अच्छी बात है, चलो मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, मेरे घर की बहू है, मेरा घर का संस्कार में चलेगी तो मुझे क्या लगेगी, प्यारी लगेगी। मेरी बच्ची है वो संस्कार में चलेगी तो मुझे प्यारी लगनी चाहिए। अगर वो भूल कर रही हैं तो उसे वहीं पर क्या देना चाहिए? दंड। दंड कौन देता है? वो कर्म फल देता है। सच्चा अज्ञान है ना, अबोध बच्चा है, उसको ज्ञान दोगे वैसा ही ज्ञान आएगा ना। तुम्हें हिंदू किसने बनाया, उसको मुसलमान किसने बनाया, इसको पंजाबी किसने बनाया, इसको नेपाली किसने बनाया, इसको अमेरिकन किसने बनाया, इसको जापानी किसने बनाया, इसको नेपाल का जो ये कश्मीर कहाँ है वहाँ का ये निवासी आ गया है, कैसा झील में रहने वाला था, लेकिन तू जब आया है तो एक का दो हुआ, इसलिए एक दूसरे के प्रति तुम देव और दानव की तरह लड़ते रहोगे। जीव हमेशा एक दूसरे की सत्ता। अब समझ में आ गई तो सत्ता, और समझ में नहीं आई तो खाओ गत्ता ये गत्ता,
क्योंकि ये समझने की जरूरत है, हमें मनुष्य जन्म देव मिला है, लड़ने के लिए नहीं मिला है, झगड़ने के लिए नहीं मिला है। झगड़कर तुमने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो क्या? तुम्हें प्राप्त किया तो वो तो शैतानी शक्ति है, शैतानी शक्ति ही झगड़ते हैं। द्वंद्व जब खत्म हो जाता है, गुरु एक ही बात कहते हैं, मेरा ज्ञान तभी लगेगा जब तुम्हारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तुम अगर भीतर से अगर मिनिस्टर बने हुए हो तो मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कहीं भी विराजमान क्यों ना हो, न कितनी भी इस ब्रह्मांड की शक्ति कैसी भी क्यों नहीं हो, मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे शांत होना ही है। मेरे क्रोध को शांत करना है, मेरी कामनाओं को शांत करना है। तो हमारी कामनाओं को तुम भड़का रहे हो क्या? हम मृत्यु से नहीं डरते। मृत्यु से क्यों नहीं डरते? क्योंकि शरीर तो हमारा है ही नहीं। इसीलिए यहाँ सन्यासी यानी अंत के साथ उत्पन्न होने वाला जीव सन्यासी प्रकट होता है। ये भारत भूमि है और नाथ ऐसे हैं मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तेरे अहंकार को तू कम कर दे, तुझे मैं मिल जाऊंगा। और मैं कौन? सृजनात्मक शक्ति। अब तुम विनाशक शक्ति बने हुए हो, दूसरे का अहित चाहते हो, दूसरे का भला नहीं चाहते। नहीं चाहते हो ना? अगर भला चाहते तो हिलमिल कर रहते हैं। और जब तुम पर मुसीबत आती है तो तुम सब भाइयों की तरह एक दूसरे को, कमी होती है तो एक दूसरे को पूरित करते हो। भय होता है, यही सनातन है। तुम्हें जीवन और मृत्यु का भय है, शरीर होना और शरीर नहीं होना, ये भय है। परंतु क्या ये शरीर तुम्हारा अकबंद ऐसा ही रहेगा? सवाल ही नहीं रहने वाला। मैं भी छोड़कर चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। अब उसमें जब तक ये हलचल करवाता है गुरु, तब तक इसका खेल दिखाता हूँ। फिर क्या मालूम कौन सा शरीर वो प्रदान करता है। क्योंकि मुक्ति एक आत्मा को प्राप्त होती है जीव से। जीव के बिना अगर माता मेरे पिता का रज न संभालती, उसे पोषण न करती और मैं नहीं होता तो मैं मुझे नहीं जान पाता। तुमने तुम्हें जान पाया, तुम कौन हो? मैं ऊर्जा हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा हो रहा है। परंतु उसके लिए मुझे प्रतीक्षा तो करनी होगी ना। अभी बेचारा अभी हो गया, वो परमात्मा का काम है। वो तभी करते हैं जब हमारे ऊपर, जैसे भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर मुसीबतें आई ना। संतों को बचाने के लिए विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता उनका वध क्या कर रहे थे, फिर दूसरे मुनि हैं। अब मुझे क्या बार बार वो कह रहा हूँ, इतना गहरा ज्ञान है कि समझ नहीं पाओगे। क्यों भटक रहे हो बार बार इस गीता के, कुरान के, पुराण के, वेद के? ये इसके अर्थ समझ में नहीं आएंगे। यही समझ लो कि तुम ही करता हो तुम्हारे और तुम ही तुम्हारे भरता हो, दूसरा कोई तुम्हारा है ही नहीं। वही तुम शिव हो।